हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और इंडिया जॉब 0.2 के YouTube प्लेटफॉर्म के बाद। दोस्तों, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिन बच्चों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का सवाल सारा है, सर मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा। बिल्कुल, इस वीडियो में आपको रीसेट पासवर्ड करना और कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना वो मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आपको सर्च करना ITBP लॉगिन। देखो, इस तरीके से आपको यहाँ पर ITBP लॉगिन लिखकर ही आपको सर्च करना है। इसके बाद में जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन डिटेल्स, एप्लीकेशन प्रोफाइल डिटेल्स भी आपको क्लिक करना है। दोस्तों, बता दूं आपका साइट का थोड़ा सा एरर होने की वजह से आपको हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए, पर यहाँ पर आपको लगातार रिप्रेस करना है। और दोस्तों, बता दूं आपसे रिक्वेस्ट भी है, जो भी कैंडिडेट ऑल इंडिया जॉब 0.2 यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहा है, यदि उसका इसके बाद भी डाउनलोड नहीं हो रहा तो मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करोगे, 5 तारीख बाद में आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपके व्हाट्सअप पर भेज दिया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। तो इस बात के लिए तो मैं आपके लिए फ्री काम कर सकता हूँ इतना, तो आप मेरे लिए फ्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो प्लीज़ फ्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर एक अपडेट हर एक न्यूज मिल जाए। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड लगाना है। मेरे पास ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है, मेरे पास ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर लगी हुई। रीसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं रीसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ, आपका ओनली फॉर फर्स्ट नेम यहाँ पर डालना है। फर्स्ट नेम यहाँ पर डालना है दोस्तों, फर्स्ट नेम जो आपका फर्स्ट नेम है वो आप डालना है, ठीक है। इसके बाद में आपको DOB डालनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है, और जो आपने मोबाइल नंबर दिया है ना वो आपको डालें। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर जो दिए हैं वो आपको डालें। इसके बाद में आपको जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है ना वो आपको डालें। जैसे आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाल के ये कैप्चर कोड डाल के, जैसे आप यहाँ पर कैप्चर कोड डाल के सबमिट करोगे तो आपके पास ईमेल आईडी के ऊपर पासवर्ड और आपका वो दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इतना आप करने के बाद में आप जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर पर पासवर्ड आ रहा है उस पर आप जाके, मेरे दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, जो भी आप कैंडिडेट बोल रहे हैं उनको बोलना चाहता हूँ, जो भी आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ रहा है ना उसको आप यहाँ पर ध्यान रखना, लॉगिन के ऊपर वापस क्लिक करके, और यहाँ पर आपको यूजर आईडी के अंदर जो आपके पास यूजर आईडी आई है वो और जो पासवर्ड आया वो आपको डालना है, और यहाँ पर एक कैप्चर कोड आपको डाल देने, जो आपके कैप्चर कोड आया ना वो आपको डाल देने आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको कैप्चर कोड डालने हैं, यहाँ पर आपको कैप्चर कोड जिससे डालने हैं, डालने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट एक गलती कर रहे हैं मेरे दोस्तों, आपको लॉगिन तो हो रहा है, आपको प्रोफाइल डिटेल्स इस तरीके से आपको आ रहा है, तो यहाँ से आप डेस्कटॉप मोड एक्टिवेट कर लीजिए ताकि आपको थोड़ी सी सहूलत हो जाए। यहाँ पर ध्यान रखना, आपको नीचे एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह दिया हुआ है, बल्कि एडमिट कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया रहा है। ध्यान रखना, जो भी बताना चाहता हूँ कि आपको माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। किसके ऊपर? माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी मेरे पास सवाल करें, तो माई एप्लीकेशन के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे ना, माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, आप जो जिन्होंने जो जो फॉर्म भरे ना वो आपके पास आ जाएंगे। इसके बाद देखो, मैं आपको दिखाता हूँ डाउनलोड, यहाँ पर साइड चल जाए थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं आपको, भाई आपको एक चीज़ दिखाएगा, हर एक चीज़ यहाँ पर डाउनलोड करके ही दिखाता है। तभी तो बोलता ना, ऑल इंडिया जॉब 0.2 बेस्ट है और आपके लिए बेस्ट ही साबित होने वाला है। ये नहीं कि आपके लिए बेस्ट साबित नहीं होगा, आपको हर एक डिटेल हर एक जानकारी आपको दी जाएगी। यहाँ पर देखो, माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक किया, और माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते जो आपको कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन का है ना वहाँ पर आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करोगे आपके पास अपना एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए, पूरा का पूरा मेरा एडमिट कार्ड यहाँ पर, देखो यहाँ पर एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं, डाउनलोड PET एडमिट कार्ड यहाँ पर देखो, डाउनलोड PET एडमिट कार्ड, नीचे स्क्रॉल करने पर आपको आएगा डाउनलोड PET एडमिट कार्ड, डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड आपको करना, डाउनलोड नाउ के ऊपर क्लिक करोगे आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा। इस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, वो नहीं कर पा रहे हो, दोस्तों यहाँ पर आपको टेंशन नहीं करनी है, यहाँ पर इस तरीके से आप पूरा का पूरा आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आपको मैं रोल नंबर से भी डाउनलोड करके दिखाता हूँ, यहाँ पर मेरा ये रोल नंबर है, ठीक है। मैं इनको कॉपी करता हूँ, देखो कॉपी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इनको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ध्यान रखना, कॉपी नहीं होगा शायद ये रोल नंबर, चलो कॉपी हो गया, ठीक है। मैं आपको रोल नंबर से भी डाउनलोड करके यहाँ पर दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। दोस्तों यहाँ पर हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। ये एडमिट कार्ड आपके सामने, इस तरीके से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। या फिर आपको दोस्तों बता दूँ, लॉगआउट के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे, देखो यहाँ से मैं आपको डाउनलोड कर देता हूँ PET डाउनलोड एडमिट कार्ड। जैसे मैं PET डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो रोल नंबर के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डाल देना है, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डालनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 मार्च यहाँ पर, ठीक है। मेरी डेट ऑफ बर्थ आपको बताता हूँ, 3, चलो ये तो सॉरी गलती से डल गई, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फिर से आप डालता हूँ। तो पूरी एडमिट कार्ड डेट ऑफ बर्थ से भी निकल रहा है, ये कोई इशू नहीं है कि आपका डेट ऑफ बर्थ से नहीं निकल रहा है, निकल रहा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगला निकालने वाला चाहिए दोस्तों, आपको निकालना तो आपको ही पड़ेगा ना। अब यार इतने सारे कैंडिडेट्स को मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, पर आपको एक एक कैंडिडेट को निकाल कर नहीं, बाद में ये डाउनलोड नहीं हो रहा है तो मैं आपको निकाल कर भेज दूँगा, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हो, पूरा अपना सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर रेफरेंस नंबर या रोल नंबर गलत बता रहा है, क्योंकि ये अभी मेरे को लगता है इसके अपडेट नहीं हुआ। फिर ये बता दो दोस्तों, जो भी मेरे भाई जो भी मेरे दोस्त हैं, यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, यहाँ पर गलत बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर जैसे मैंने बताया उस तरीके से आप रीसेट पासवर्ड करके पूरा पूरा डाल सकते हैं। बाकी देखो, जो भी कोई अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी होगी, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।